वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल फिटर आईटीआई चैनल। वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल फिटर आईटीआई चैनल। आप जिन्होंने सेल ओसीटीटी पद के लिए तैयारी कर रहा है उनके लिए आज का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज मैं बात करूंगा बेस्ड ऑन मेमोरी प्रीवियस ईयर सेल का ओसीटीटी एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो लेके। आज का टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज रेफर्ड टू बी एन आइसोलेटेड सिस्टम व्हेन देयर इज ट्रांसफर ऑफ डैश अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। आंसर, नाइदर मास नॉर एनर्जी। बोला गया है ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज रेफर्ड टू बी आइसोलेटेड, जिसको आइसोलेट सिस्टम बोला जाता है, व्हेन देयर इज ट्रांसफर ऑफ डैश अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। सिस्टम का जो ये दाहिने साइड में राइट साइड में जो पिक्चर है देखिए, इसमें देखिए ये एक जार है, इसको आइसोलेट करके रखा है कैप लगा के कॉर्क से, तो इसमें से नो हीट बाहर भी नहीं जा रहा है और हीट अंदर भी नहीं आ रहा है, और इसका वजह से ये मास जो है ये अंदर भी नहीं जा रहा है, कोई मास ऐड भी नहीं हो रहा है, कोई मास लॉस भी नहीं हो रहा है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में नो मास और नो एनर्जी ट्रांसफर, नाइदर मास नॉर एनर्जी ट्रांसफर, कोई मास और एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर टू, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। आंसर, वॉल्यूम। आपको मालूम है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, एक डिपेंडेंट ऑन मास और दूसरा होता है क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। नेक्स्ट, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर्म्स द बेसिक ऑफ डैश मेजरमेंट। आंसर, टेम्परेचर। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर्म द बेसिक ऑफ डैश मेजरमेंट, कौन सा किसका मेजरमेंट होता है, टेम्परेचर। नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिफाइंस, आंसर टेम्परेचर। अगर बोला जाएगा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिफाइंस, अगर ये वर्ड रहा तो टेम्परेचर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए क्लोज सिस्टम द डिफरेंस बिटवीन हीट एडेड टू एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू। आंसर, इंटरनल एनर्जी। बोला गया फॉर ए क्लोज सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम है ये, अगर क्लोज सिस्टम होगा एक पिक्चर में जो है, ये अगर क्लोज सिस्टम है, द डिफरेंस बिटवीन द हीट एडेड टू एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, जितना हीट ऐड किया जाएगा इसमें, जितना हीट ऐड किया जाएगा कोई सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में अगर जितना हीट ऐड किया जाएगा टू द वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम जितना वर्क करेगा इक्वल टू कितना होगा, इंटरनल एनर्जी। किसके हिसाब से होगा, इंटरनल एनर्जी जितना रहेगा उसके हिसाब से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, हीट सप्लाई टू ए सिस्टम इक्वल टू वर्क डन इन केस ऑफ नॉन फ्लो प्रोसेस कैरीड आउट। आंसर, आइसोथर्मली। बोला गया हीट सप्लाई टू ए सिस्टम, कोई एक सिस्टम में, एक सिस्टम ए सिस्टम में हीट सप्लाई किया जा रहा है टू वर्क इक्वल टू इक्वल द वर्क डन इन केस ऑफ नॉन फ्लो प्रोसेस, इन केस ऑफ नॉन फ्लो प्रोसेस कैरीड आउट, कैसे वो होता है, वो आइसोथर्मली। आपको मालूम है आइसोकोरिकली मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर आइसोकोरिक रहेगा तो कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस रहेगा। आइसोबेरिकली अगर रहेगा, अगर आइसोबेरिक रहेगा तो कांस्टेंट प्रेशर, और एडियाबेटिकली मतलब वो नो हीट ट्रांसफर, मतलब हीट ऐड भी नहीं होगा और हीट रिजेक्ट भी नहीं होगा, ये सब याद रखिए। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अप्रोक्सीमेट्स द स्टीमिंग ऑफ फूड इन प्रेशर कुकर। आंसर, आइसोकोरिक। आंसर हो जाएगा आइसोकोरिक, मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अप्रोक्सीमेट्स द स्टीमिंग ऑफ फूड, कहा स्टीमिंग ऑफ फूड किस में हो रहा है, स्टीमिंग ऑफ फूड किस में हो रहा है, प्रेशर कुकर में हो रहा है, प्रेशर कुकर में स्टीमिंग ऑफ फूड हो रहा है, तो वो कौन सा प्रोसेस के जरिए से हो रहा है, वो हो रहा है आपका आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मतलब कुछ देर पहले ही आपको बोला है आइसोबेरिक रहेगा तो कांस्टेंट प्रेशर, आइसोकोरिक
मतलब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस आर आइडेंटिकल एट, आंसर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। नेक्स्ट, ए कार्नोट साइकिल द रिजेक्शन ऑफ हीट इज, आंसर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। नेक्स्ट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स डिफाइंस, आंसर एंट्रोपी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स अगर ये वर्ड रहा डिफाइंस, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स के साथ डिफाइंस रहा तो आंसर हो जाएगा आपका एंट्रोपी। नेक्स्ट, गैस लॉ लीस्ट वैलिड इन केस ऑफ, आंसर वेपर। गैस लॉ लीस्ट वैलिड अगर रहेगा, गैस लॉ लीस्ट वैलिड इन केस ऑफ, आंसर वेपर्स। नेक्स्ट, ओरसट अपरेटर्स इज मींट फॉर, आंसर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ द फ्यूल गैस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, कोचियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो बाय वॉल्यूम फॉर कंबशन ऑफ मीथेन इन एयर, बाय वॉल्यूम, याद रखिए बाय वॉल्यूम किसका बोला गया, मीथेन इन एयर, बाय वॉल्यूम मीथेन इन एयर अगर रहेगा तो उसका रेशियो हो जाएगा 9.52:1। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट। द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज, आंसर 1.086। अगर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी रहेगा तो उसका जो पर्टिकुलर टेम्परेचर, रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर टेम्परेचर का होगा 1.086। नेक्स्ट, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज, आंसर 1-T2/T1। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल का अगर एफिशिएंसी बोलेगा तो वो आंसर हो जाएगा 1-T2/T1। नेक्स्ट, एन ओपन साइकिल गैस टर्बाइन वर्क्स ऑन, आंसर जूल साइकिल। ओपन साइकिल गैस टर्बाइन वर्क्स ऑन जूल साइकिल। सिर्फ ओपन साइकिल नहीं, क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन वर्क्स ऑन जूल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स जूल साइकिल इज नोन एज, आंसर बेल कोलमैन साइकिल। रिवर्स जूल साइकिल इज नोन एज बेल कोलमैन साइकिल। नेक्स्ट, द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर, आंसर डिक्रीज। द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर डिक्रीज, आइसोलेटेड सिस्टम का एंट्रोपी डिक्रीज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द एंथैल्पी ऑफ ए सब्सटेंस डिनोटेड बाय एच इज डिफाइंड एज, आंसर एच इज इक्वल टू यू प्लस पी इंटू वी। एंथैल्पी ऑफ ए सब्सटेंस डिनोटेड बाय एच इज डिफाइंड बाय एच इज इक्वल टू यू प्लस पी इंटू वी, प्रेशर इंटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इंटू वेलोसिटी। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी कम्स फ्रॉम, आंसर कंजर्वेशन ऑफ मास। इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी कम्स फ्रॉम, बोला गया इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी कम्स फ्रॉम, आंसर कंजर्वेशन ऑफ मास। 20 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस किया आज, ये पिछला कोई ना कोई एग्जाम, सिल्क एग्जाम में ओसीटीटी का लिए जो पद निकलता है उसके पोस्ट पर, पोस्ट के लिए ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल फिटर ITI चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुश रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका एग्जाम का।